नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके न्यूज सरी में डालते हैं आज की खबरों पर। भदौकर रायबरेली जनपद के भदौकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी ग्राम जनेश्वरा मजरे शनही का रहने वाला पीड़ित करण पुत्र श्याम लाल यादव ने आज दिनांक 20 अप्रैल 2021 को पुलिस अधीक्षक रायबरेली को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के ही रहने वाले दबंग प्रदीप पुत्र गुद्दी यादव, पवन पुत्र ब्रिजवान गुलाब पुत्र रमाधार, सुशील पुत्र छोटे यादव ने 28 अप्रैल 2021 को समय लगभग 8:30 पर सुबह एकराया होकर पीड़ित जब अपने दरवाजे गाड़ी धुल रहा था तभी आए और गाली गलौज के साथ लाठी डंडा व चाकू से बुरी तरह मारने पीटने लगे। तभी पीड़ित की माता इंद्राणा व भाई धनराज के ने बीच बचाव के लिए आए उनको भी लाठी डंडों व चाकू से मारा पीटा जिससे पीड़ित परिवार को गंभीर चोटें आई। इस बाबत थाना भदौकर में प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः पीड़ित करण ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराए जाने व न्याय के लिए गुहार लगाया है। धनराज सर, क्या हुआ है? कट्टा बल्लम से सब मारते रोज हमारे घर पर धमकी दे के आज गए थे रात में, कोई सुनवाई नहीं होते हैं। भाई यार मैंने दर्ज किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे भाई को बहुत मार दिया, हमें मार दिया, हमारी माँ को उठा के चढ़ बैठा। अच्छा, हम कहाँ जाएं? आज कहाँ पे आप आए हैं लोग? एसपी यादव। अच्छा भैया, अपना पर्चे बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम करण यादव है सर, सनाथ श्याम लाल है सर। मैं पोस्ट सनही थाना भदौकर जिला रायबरेली गांव जनेसरा का रहने वाला हूं सर। सर मैंने सन 2013 में हमने शादी की थी लव मैरिज सर, जिसके मतलब में हमारे ससुराल वाले पक्ष वाले नाराज थे और हमने इसका सन 2017 में एक माने उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था और लड़की को हमारे सबूत सौंप दिया था और उसके बावजूद मैं सर बीच खोच आता जाता रहा अपने घर पर मैं अभी 2 साल बाद 27 तारीख को आया था, जो कि मैं अपने रात भर में अपने घर पे पूरी रात था। मैं दूसरे दिन सुबह को मैं अपनी बाइक धो रहा था और मेरा भाई स्नान कर रहा था, तभी 4 लड़के अचानक से डंडा लेकर आए और सर मेरे पे हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। बीच बचाओ में मेरा भाई आया, उसको भी मारे सर और मेरी माँ को भी छक्के धक्का मार के घेर दिए सर। उनके पास छुरी भी थी सर और मैंने बीच बचाव करा तो मेरे हाथ पे भी लग गया सर और एक आध लड़कों के पास पिस्टल वगैरह भी थी सर। थाने गए थे? थाने जी सर, भदौकर थाने गए थे सर। मेडिकल भी हमने करवाया था सर पर हमें इलाज नहीं मिल पाया था सर। उत्तर पारा हॉस्पिटल हमारा लगता, वहाँ से उन्होंने जिला हॉस्पिटल में रेफर किया, हम वहाँ आए, वहाँ से उन्होंने बोला आप भदौकर थाने जाइए, वहाँ से लिखवा के लाइए। हम वहाँ भी गए सर, उसके बाद फिर उत्तर पारा गए, उन्होंने रेफर कर दिया फिर जिला हॉस्पिटल के लिए सर। फिर भी हमें यहाँ इलाज नहीं मिला सर, हम इलाज के लिए तड़पते रहे। लास्ट में हमें 3 बजे जाकर मेडिकल से ही दवाई लेनी पड़ी सर और अभी तक कोई जाँच नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लड़के अभी लगातार आ जाकर घर पे धमकियां देते हैं सर, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है सर। एसपी साहब से मुलाकात हुई है? नहीं सर, आज एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए और अपनी कंप्लेंट एसपी साहब को देने के लिए आए हैं सर। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएंगे सर? आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारी नहीं होगी कोई सुनवाई तो सर सीएम साहब को योगी जी का आसरा बचा उनसे ही मिलने की कोशिश करेंगे सर।